नरीमन चौराहे सिरे के गोलापुल तो काठगोदाम का वहाँ से यहाँ पर जो दुकानों में है ना वो निशान लग गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ से नीचे की बारी है, कितने निशान लगे हैं, कहाँ तक लगे हैं और कितनी दुकानें यहाँ पर NHI ले रही है, सारा कुछ बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी के काठगोदाम एरिया स्थित नरीमन चौराहे पर, ठीक मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। यहाँ से आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम आपको यहाँ पर काफ़ी लगभग एक आध महीना लगभग हो गया है यहाँ का अपडेट देंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम चला है और क्या क्या यहाँ पर इन दिनों घट गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पर हो गया है, निशान दिए ही यहाँ पर हो गए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब कब टूटेगा अतिक्रमण के तहत चौरीकरण के तरह ये दुकान है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर निशान लगे हुए हैं और नरीमन चौराहे का आसपास का एरिया कैसा कैसा लग रहा है सारा कुछ बताएंगे। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। ये जो आप देख पा रहे होंगे यही है काठगोदाम का नरीमन चौराहा हल्द्वानी का, और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बड़ा टावर हुआ करता था, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसके खाली अभी अवशेष बचे हैं, कुछ तारे वगैरह और कुछ लोहे के रोडे वगैरह एंगल वगैरह बचे हुए हैं। यहाँ पर एक टावर हुआ करता था, 20 रोड में टावर लगाया था किसी कंपनी ने, किसके थ्रो लगाया था क्या लगाया था वो मैं नहीं जानता हूँ, मगर यहाँ पर टावर लगा था। वो टावर अभी यहाँ पर एक दो दिन पहले यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पेड़ शिफ्ट होना सिर्फ बाकी है और ये जायका होटल आपको पता ही होगा, इसके ठीक बाहर का एरिया ये देखिए, यहाँ से नीचे तक ये हो गया है रोड चौड़ा। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम खुला खुला आपको यहाँ पर लगेगा, क्योंकि पहले यहाँ पर बिल्कुल कंजस्टिंग था, अब बढ़िया हो गया है यहाँ। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, नीचे तक पूरा ये रोलर उग रहा है और यहाँ पर गिट्टियाँ उग रहा है, अभी बिछ गई है। देखो आप, गाड़ी चलने लायक हो गया है मगर यहाँ पर अभी कुछ ऐसा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह आप खड़ी देख रहे होंगे ये है, और बाकी यहाँ काम लगभग हो गया, क्लियर हो गया नीचे तक पूरा, आप देख पा रहे होंगे। ये है PWD विभाग का ऑफिस और यहाँ से ऊपर को बन रही है रोड, लगभग रात को यहाँ रोड बन रही है, रात को यहाँ रूट लगभग 8 घंटे के लिए बंद है। PWD विभाग यहाँ रोड बना रही है नरीमन चौराहे से लेकर ऊपर तक, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास रोड बन गई है। अब यहाँ से लेके ऊपर तक आपको ऐसी रोड मिलेगी, ये देखो टकाटक रोड मिलेगी, क्योंकि ख़राब हो गई थी तो ऊपर तक यहाँ पर रोड बन गई है। अब मैं थोड़ा नीचे को हूँ, यहाँ जहाँ से आप गोलापार को जाते हैं काठगोदाम से, काठगोदाम पुल से नीचे की ओर मैं चलता हूँ और वहाँ का एरिया आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अवशेष, जो यहाँ पर टावर था इस टावर को पूरा निकाल दिया गया, पूरा हटा दिया गया है यहाँ से, क्योंकि ये चौराहा फिर से दोबारा बढ़िया तरीके से बनेगा। यहाँ पर था वो टावर, ये देखिए ये भी हटा दिया है, यहाँ पर बस स्टॉप था वो भी हटा दिया है, बैठने का सब कुछ हटा दिया, दीवारें लगभग यहाँ पर क्लियर बन गई है। यह रोड में काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रकें चलती हैं, क्योंकि यहाँ से जब नो एंट्री है नैनीताल रोड से, तो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक नो एंट्री है, तो उस दौरान यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं मंडी से, तो उस समय यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो उसके लिए रोड थोड़ा होना बहुत ही आवश्यक यहाँ पर हो गया। NH यहीं से आएगी। ये देखिए दीवारों का काम, ये देखिए नीचे का काम। अब मैं थोड़ा सा नीचे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। जो आप ये दीवार देख पा रहे होंगे इस सीध में आएगा, देखो यहाँ से, अभी तो यहाँ पर अवैध पार्किंग है, यहाँ से इस सीध में आना है, क्योंकि दीवार मुड़ेगी तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता दीवार मुड़ेगी, मगर इस सीध में आना है, तो लगभग लगा लो इतना भाग लगभग इसका जाएगा आने वाले समय में। देखो ये दीवार के अंदर तक जाएगा, ये देखिए। तो गाइस देखिए, मैं अभी नीचे साइड को लगभग यहाँ पर आ गया हूँ और ये एरिया देख रहे होंगे आप, यही काठगोदाम पुल को जाने वाला रोड है। यहाँ से नीचे को काठगोदाम पुल को जाते हुए गोलापार को यहाँ से आप यहाँ से निकल जाएंगे, तो यही वो एरिया है, यहाँ से चौड़ा होना है। ये दोनों साइड की दुकानें लगभग जाएंगी या फिर एक ही साइड की दुकानें जाएंगी। कुछ जगह यहाँ निशान लगे हैं, वो निशान भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रेलवे का एरिया आ जाता है, देखो वॉशिंग रूम, लॉन्ड्री रूम इसको आप बोल सकते हैं। ये जो एरिया है ये रेलवे का लॉन्ड्री रूम है, आप ये देख पा रहे होंगे काठगोदाम 0, यही काठगोदाम है और NH की एरिया आ जाती है। देखो NH 109, ये यहाँ पूरा NH का एरिया लगभग ये आ जाता है। और यहाँ पर मैं आपको जरा निशान दिखा देता हूँ, ये देखिए ये निशान लगे हुए हैं, B7 करके यहाँ पर लिखा हुआ, कुछ कुछ जगह इस तरीके के निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यह निशान कितने लगेंगे क्या लगेंगे अभी फिर हाल, कुछ कुछ जगह लगेंगे हैं और आगे को अगर लगेंगे तो वो भी आपको हम बताएंगे। देखो ये रेलवे की पूरी ज़मीन आ जाती है और ये लॉन्ड्री रूम है, देखो काठगोदाम का रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से वो लगभग कार्रवाई होनी है। पूरा NH की जो ये एरिया है ये मैं दिखा रहा हूँ, कुछ समय के बाद यहाँ भी रोड चौड़ीकरण का काम बहुत जोर शोर से होगा, रोड चौड़ा होगा यहाँ पर,
नीचे से कुछ दुकानों में यहाँ पर निशानदेह भी लगभग हुई है। अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर कितना जल्दी काम होता है और कितना लेट काम होता है वो भी हम आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए रोड बिल्कुल सक्रिय आपको लग रही होगी। जो नरीमन चौराहा को आप जाते हैं, यहाँ पर कुछ अवैध दुकानें भी हैं, कुछ नगर निगम की दुकानें भी हैं, कुछ वैसे दुकानें भी हैं, कुछ खाली पड़ी दुकानें भी हैं। नाला देखिए काफ़ी पुराना बना हुआ है। आपको यहाँ का जो ये घर देख के ऐसा लग रहा होगा काफ़ी साल पुराने हैं ये। कुछ कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर, और इधर को पूरा बद्रीपुरा वाला क्षेत्र लगभग यहाँ पर आ जाता है। शायद अभी नरीमन चौराहे के थोड़े नीचे हो और यहाँ पर एक अंडे की और मुर्गी की यहाँ पर दुकान है, तो इस दुकान में शुरुआती में यहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ लगा है अभी तो फिलहाल दुकान बंद है, मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए जो यहाँ अंदर फ्रिज रखा है, फ्रिज का जो कुंडा है यहाँ से निशान लगे हुए हैं, देखो यहाँ से निशान लगा है। तो यही सीट में लगभग यहाँ से आना लगभग तय है, इतना लगभग यहाँ पर शुरुआती में निशान लगे और नीचे को एक निशान मैंने नीचे ही दिखाया था। तो यहाँ लगभग सब इसी के सीट में लगभग यहाँ पर आने हैं। तो ये कुंडा के लगभग निशान बोले तो आपको मैंने दिखाया ही यहाँ से यहाँ तक। तो अभी दुकान बंद है, नहीं तो वो निशान भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता। अभी मैं निशान नहीं दिखा पाया, एक ही निशान आपको दिखाया, बाकी जो फर्श पे निशान लगा हुआ था वो आपको दिखा नहीं क्योंकि दुकान बंद थी। तो गाइस अभी मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ। ये देखिए सामने है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन और यहाँ के आसपास का एरिया देखिए। यहाँ पर दीवार लगने का काम चालू हो रहा है, ये देखिए खुदाई करी गई है, यहाँ तक दीवार लगेगी। बिजली के पोल लगभग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, फोटो लगोरा लगभग एज वेल वैसे ही है। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है और कुछ दीवार लगी नहीं है, देखिए सारे फोटो लगोरा लगभग वैसे ही। काठगोदाम का आसपास का क्षेत्र ये देखिए रेलवे स्टेशन का ये एरिया है लगभग, यहाँ पर यही अपडेट है, आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। फिलहाल अभी अगर नया अपडेट आता है वो भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर होटलों में ढाबों में खाने का जायका ले सकते हैं। तो गाइस आज मैंने आपको हल्द्वानी के काठगोदाम का जो नरीमन चौराहे से लेकर गोलापुल के रेलवे स्टेशन तक का जो भी एरिया था वो दिखाया। यहाँ पर निशान भी दिखाए मैंने और जो निशान दुकान के अंदर थे वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि दुकान क्लोज थी। आपको थोड़ा बहुत जितना भी कोशिश की मैंने दिखाने की वो दिखाया। यहाँ पर भी अभी रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है क्योंकि दीवार लगभग आधी लगी, आधी मतलब कमी लगी है यहाँ, और नीचे को भी और लगेगी यहाँ। तो NH की टीम और नगर निगम की टीम इसको लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ से भी अब चौड़ा होना है रोड क्योंकि चौराहे से लेकर नीचे तक ये NH करेगी इसको पूरा। तो अब निशानदेह ही लगभग हो गई है, प्रशासन लगातार यहाँ पर काम कर रहा है हल्द्वानी को सुंदर बनाने का और अतिक्रमण मुक्त बनाने का और ट्रैफिक मुक्त बनाने का काम यहाँ पर जारी है। सीएम धामी जी ने भी कहा तो रोड चौड़ी हो रहा है, जब हल्द्वानी दौरा किया था सीएम धामी जी ने बहुत बढ़िया हो रहा है ऐसा कहा, काफ़ी विकास के काम हो रहे हैं ऐसा उन्होंने भी कहा, हो भी रहे हैं धरातल से। मैंने आपको यहाँ पर लगभग डे बाय डे आपको लगभग हल्द्वानी की लगभग सारी खबरें आपको लगभग देता हूँ चैनल के माध्यम से, लाइव कवरेज दिखा के एकदम डिटेल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करिए। अब नरीमन चौराहे से बाय बाय करते हैं, नया अपडेट कब आता है यहाँ पर, अतिक्रमण कब टूटता है, कब यहाँ पर दुकानों को नोटिस आता है, कब यहाँ रोड चौड़ा होता है वो भी हम समय समय से आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नरीमन चौराहे काठगोदाम से बाय बाय।